अपना पाकिस्तान। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है। तो अक्सर लोग हमसे ये सवालात करते हैं या हमसे बात करते हैं, तो हम तो चूंकि आलिम नहीं हैं, हजरत के सामने हम जब वो सवालात रखते हैं तो उनके जवाबात हमें मिलते हैं। जी वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज मसूद लेला साहब के घर पे इन्होंने इनवाइट किया यहाँ पे अपने दोस्तों को और खासतौर पे सीएमएमसी के मेंबर्स को भी यहाँ पे बुलाया और ये हमारे लिए बहुत बड़ा आनर है। आज हम मसूद लेला साहब के पास इनकी एक किताब मसूद लेला के नाम से इन्होंने मुझे भी दी है और सब दोस्तों से भी ये शेयर करेंगे माशाल्लाह। इसमें इन्होंने जिंदगी के वाकयात जो है ना, अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन मैं अंदाजा कर रहा हूँ कि इनके एक्सपीरियंसेस बहुत हैं जिंदगी के और इन्होंने सब इस किताब में लिखे हैं और इसे प्रिंट किया है माशाल्लाह। इनकी किताब की प्रिजाई जो है वो पाकिस्तान में भी हुई है और यहाँ भी हुई है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा आनर है कि मसूद लेला साहब ने मुझे सिलेक्ट किया है इस वक्त दिल अपना पाकिस्तान के लिए कि ये किताब की जो है रूनमाई जो है वो सोशल मीडिया पे भी और शाह पे दिल अपना पाकिस्तान के शो में भी ये पेश की जाए। लेला साहब, दो अल्फाज आपके इस किताब के बारे में और आपने यहाँ पे लोगों को बुलाया तो उसके बारे में बात। बहुत शुक्रिया इंतखाब साहब आपके अल्फाज का, मेरी ये आप बीती है जी और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप पढ़ें, आपको दिलचस्पी महसूस होगी और उसके बाद मुझे फीडबैक दें। आप सब दोस्तों के आने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। अहमद अगेन आपसे मुखातिब है। सरे की सरगर्मियों में आज मिस्टर मसूद लेला जो कि लॉन्ग टाइम सरे के रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी सिविल सर्वेंट में कुछ अर्सा मुलाजमत की, वो सोशियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने एमए इन मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में भी किया और फिर यहाँ पर आकर उनकी अपनी इमिग्रेशन की कंसल्टेंसी भी है। तो उन्होंने किताब लिखी जो अपने ज़िंदगी के हालात वाक़यात और अपने मुलाजमत के दौरान के हालात वाक़यात का लिखे हैं उन्होंने। नदीन किसी मनसिफ के लिए अपने हालात वाक़यात जो हैं अपनी आप बीतियाँ किसी किताब में समो लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। किताब में जो वाक़यात हैं उनको कलमबंद करना एक वाकई एक हुनर है जो कि मसूद लेला साहब ने प्रूव किया है। रोजगार पे जाना, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, मशीन की तरह हम काम करते हैं, अपना घर चलाने के लिए शादी की, बच्चे हुए, अकबर अलाबादी ने कहा था और मर गए, तो ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी उन लोगों की है जिन्होंने माशरे में दूसरों के लिए कुछ काम किया। हर मजहब भी ये कहता है, खुदा का कहना भी यही है, उसके पैगंबरों का कहना भी यही है, गुरुओं का कहना भी यही है। तो आप मदर टेरेसा की मिसाल ले लें रीसेंट हिस्ट्री में, गंगाराम की मिसाल ले लें, दयाल सिंह कॉलेज की मिसाल ले लें, गुलाब देवी हॉस्पिटल की मिसाल ले लें, म्यो हॉस्पिटल की मिसाल ले लें, लेडी डयाना की मिसाल ले लें, एक नहीं अब्दुल सतारीदी साहब का बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह इंडिया में बहुत से लोग हैं और पूरी दुनिया में लोग हैं। तो मेरे इर्द गिर्द आप जो दोस्त आज तशरीफ लाए हैं, आप सारे एक एक में अगर नाम लूं तो फिर भी कमी रह जाएगी, आप सब हीरे हैं। आप लोगों ने जो सीएमएमसी बनाया उसके लिए दिली तौर पर खुशी होती है देख के, इत्तेहाद और इत्तफाक में बहरहाल हर जगह बरकत है। तो एक तो मेरा मकसद ये था कि मैं ये इज्जत हासिल करूं कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं, मैं इसको एक्नॉलेज करूं आपके मीडिया क्लब को,
इसको अप्रिशिएट करूं दिल की गहराइयों से एज एन ऑर्डिनरी कम्युनिटी मेंबर। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं बहुत जहां दीदा आदमी नहीं हूं, लेकिन ऐसा गुमनाम आदमी भी नहीं हूं। पाकिस्तान में भी यहां भी लोग जानते हैं। सिखों का मैं बहुत बड़ा मद्दा हूं और उसकी रीजन है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान में 2005 में जलजला आया तो इन्होंने मिलियंस डॉलर इकट्ठे करके रेडियोथॉन पे भेजे। दूसरी नंबर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा पाकिस्तान कनाडा कल्चरल एसोसिएशन का, और उसका जिक्र मैं अपने मरहूम चचा या बड़े भाई चौधरी अशरफ साहब की याद में करूंगा। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि ये इन्होंने घर की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, तो मैं हमेशा जवाब देता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसे दो चार घर और फैमिलीज वैंकूवर में और हो जाएं। उसकी वजह यह है कि तनकीद करना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर खास तौर पे देखें ये अभी जो कायद आजम साहब के बारे में इन्होंने फंक्शन कराया इस कैतुल रजाल के दौर में, जब इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, जब इतना लोगों के पास वक्त नहीं है, तो इस तरह के चीज़ों को अपनी रवायात को जिंदा रखना ये इंतहाई काबिल तारीफ है। तो PCCA में एजाज चट्ठा साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फारूक सैयद हमारे बड़े खूबसूरत प्रेसिडेंट रहे हैं, और फारूक चौधरी साहब को याद करूँगा, वकार साहब हैं, जो भी दोस्तों ने नवीद के भाइयों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैं दिल से इनकी कदर करता हूँ। तो नवीद की बेगम साहबा की मैंने उस दिन फंक्शन में भी कहा था कि कोई मर्द अकेला ये नहीं कर सकता। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। यूथ लीडर और एंकर पर्सन शब्बीर बलोच का एजाज जो थाईलैंड में उन्हें मिला, शब्बीर बलोच को बैंकॉक में 3 रोजा बैन अल-अक़वामी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप में ग्लोबल यूथ आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 30 मुल्कों के 130 मंदबीन शामिल थे। बलूचिस्तान के मायनाज यूथ लीडर और एंकर पर्सन को उनके खदमात के एतराफ में थाईलैंड के वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अवार्ड दिया। इसके अलावा 20 दिसंबर को UNPKFC और रॉयल थाईलैंड एयरफोर्स के इश्तराक से भी अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड में 60 ममालिक से इंसानी हकूक पर काम करने वाले मशहूर अफराद को शामिल किया गया। ये अवार्ड जो है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए बहुत अहम है। इसमें कोई शक नहीं है, वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। तुझ सा कोई नहीं
अपना अकीदा बसित को यकीन के तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। माशाल्लाह भाई बहुत खूब मेहरबानी होगी। विदाउट एनी डिले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमजान सैयदी साहब तशरीफ लाए। हजरत आप बैठ के करना चाहिए, बैठ के करना। وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। تمام حضرات محبت اور ذوق سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا محمد واصحاب سيدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رانما۔ معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، معزز مہمانان گرامی قدر اور جامع مسجد اولیاء اللہ کے جملہ مینجمنٹ کمیٹی اور خاص طور پر اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے بانی سرپرست اور اس کینیڈا کی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستانی مسلمز کے لیے اور اسپیشلی ہم آپ اہل سنت و جماعت کے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور احسان حضرت پیر طریقت جناب پیر سید بدیع الدین سہروردی صاحب دامت برکاتہ مولالیہ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا اور قبلہ شاہ جی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملاقات کے فوری بعد ایک سال قبل مجھے حکم فرمایا اور سرپرستی فرمائی اور آپ کے پاس حاضر ہونے کا اور ملاقات کا اور کچھ عرض کرنے کا مجھے موقع فراہم فرمائے۔ آج دن کے وقت اور کل بھی محترم ارجمن صاحب اپنے رفقا کے ساتھ جو یہاں پہ آپ سب مل کر آپ کی محبتوں اور آپ کے تعاون سے جامع مسجد اولیاء اللہ جو زیر تعمیر ہے اس کی زیارت کا اور وہاں حاضری کا موقع عطا ہوا، اس پر میں انشاءاللہ آخر میں کچھ بات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی محنتوں اور آپ کے دیے ہوئے تعاون سے یہ جو ایک مرکز اسلام، مرکز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی معنوں میں مرکز اولیاء اللہ بننے جا رہا ہے، میں آپ نہ رہیں گے لیکن جب تک یہ زمین قیامت تک قائم ہے آپ کی محبتوں اور آپ کے ثواب کا یہ نشان قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ
हम आज जो खुद अमल कर रहे हैं, मरने के बाद ये अमल का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन इस मस्जिद की सूरत में, इस मरकज इस्लाम और मरकज मोहब्बत औलिया की सूरत में, मैं आप जो यहाँ एक ना ख़त्म होने वाला नेकियों का और सवाब का अकाउंट खोल कर जाएंगे, वो क़यामत तक हमारे नामा अमाल में उसकी नेकियां डिपॉजिट होती रहेंगी। हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श अलैह रहमा की निस्बत से मैं पूरी दुनिया में जाना पहचाना और इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता हूँ। अगरचे अब ARYQ TV की वजह से पिछले 9 सालों से मेरा जुमे का खुतबा पूरी दुनिया में लाइव नशर होता है, एक बड़ा मुनफरिद एजाज है जिसकी वजह से मुझे बात करने में और समझने सोचने में जो आलमी तनाजुर है वो पेश नज़र रखने का हमेशा मौका और मुझे प्रैक्टिस इसकी रहती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझे उस पाक हस्ती के कदमों की बरकत से अपने इस मिशन को आगे इसी तरह बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान मजीद की जो आय करीमा पढ़ी है, कुरान मजीद में 2 जगह बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ ये आयत मौजूद है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ भेजा है, व दीन अल हक, सच्चे दीन के साथ भेजा है। लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, ये सारा काम इसलिए है कि ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन इस्लाम को गालिब फरमा ले, वकफा बिल्लाह शहीदा, और अल्लाह इस पर गवाह काफी है। इस आयत पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इब्तिदा में ही एक बात जो मेरा आज का उन्वान है वो अर्ज करूंगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ करवाया है, रब्बे कायनात ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है कि मैं कौन हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दावा फरमाया है कि मैं इलाह हूं, मैं माबूद हूं, मैं रब हूं। जब कोई दावा किया जाता है तो वो दावा दलील का मोहताज होता है, दलील मांगता है कि जनाब आपने दावा किया है, इसकी दलील क्या है। मेरे नाम के साथ दावा किया गया कि मैं खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार हूं, अपनी पहचान करवाई किबला शाह जी ने कि जनाब मैं वो हूं जो दाता दरबार पे खतीब हूं, तो मैं यहां हजारों मील दूर बैठा हूं, कोई मुझसे पूछे कि जनाब आपके पास दलील क्या है कि आप खतीब दाता दरबार हैं, मैं उसे कह सकता हूं कि जनाब आपका जब जी चाहे आप वहां आ जाए, आप मुझे वहां मौजूद भी पाएंगे, जुमे के दिन आप मुझे खिताब करते हुए भी पाएंगे, मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते भी पाएंगे, तो जाहिर है वो इतनी बड़ी जगह, वहां मैं उस जगह पे खड़ा हूं, ये इस बात की दलील है कि मैं वहां अपॉइंटेड हूं और मैं वहां का वकील हूं। अल्लाह ने दावा फरमाया कि मैं खुदा हूं, मैं इलाह हूं, मैं माबूद हूं, मैं खालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं राजिक हूं, मैं अता करने वाला हूं। हर दावा दलील का मोहताज है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की जाए कि मौला करीम तेरा दावा है कि तू माबूद है, तेरा ऐलान है कि तू इलाह है, दलील क्या है? अल्लाह ताला फरमाते कुरान पढ़ो, मेरे कलाम को पढ़ो। अच्छा, मौला करीम कलाम पढ़ा, अल्लाह करीम फरमाता है कि इस कायनात अर्जी और समावी की हर शय जो तुम्हें नजर आती है अपने सिवा, तुम अपने गिरदो पेश जिसे देखते हो, वो हर शय मेरे वजूद की दलील है। और अगर तुम अपने आप पे गौर करो तो तुम्हारा पूरा वजूद भी मेरे होने की दलील है, हर शय मेरे वजूद की दलील है। लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं अपने इस दावे पर ऐलान तो कर सकता हूं, ऐलान करता भी हूं कि यह जमीन के वसत मेरे माबूद होने की दलील, यह आसमान की ऊंचाई मेरे माबूद होने की दलील, ऐ बंदे तेरा पूरा वजूद और तेरा निजाम मेरे इलाह और खाले को माबूद होने की दलील है। लेकिन मैं इस कायनात अर्जी और समावी में जिस चीज को, जिस जात को बतौर फख्र दलील पेश कर सकता हूं वो एक है, उस एक जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा। नाराय तकबीर, नाराय रिसाल, नाराय हैदरी। सुभानअल्लाह, वापस पलटिए, इस पॉइंट को समझिए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। अब मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, तर्जमे से जरा निकलकर मफहूम की तरफ आ जाता हूं। अल्लाह वो है, इलाह वो है, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम गौर क्यों नहीं करते हो, तुम्हें पता कैसे नहीं चल रहा, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है कि इलाह मैं रब वो हूं कि जो मोहम्मद का रब हूं। तुम अगर मेरी कुदरतों को समझना चाहो, मेरे इख्तियारात को समझना चाहो, मेरे इल्म को समझना चाहो, मेरे हुसन को समझना चाहो। अच्छा, हम जरा पाकिस्तान में मुद्दत दराज से गुफ्तगू और तकरीर में एक अपने माहौल के आदि हो जाते हैं, और मेरा मिजाज वैसे भी नहीं है कि मैं बार बार कहूं, और शायद वो मेरे हिसाब से बात के समझने में थोड़ा रुकावट भी सम टाइम बन जाता है। और मैं तो वैसे भी जिस तबका सूफिया से ताल्लुक रखता हूँ वो तो अपनी तारीफ को वैसे ही पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपको मेरी गुफ्तगू के दौरान कोई बात ऐसी पसंद आ जाए कि जिससे आप समझें कि दलील के साथ मेरे आका की तारीफ हुई है, उस पर सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए। क्या ख्याल? यानी जिस जो बात आपको समझ आए कि हाँ ये बात दलील के साथ, मैंने बात ही दलील से शुरू किया, ये बात दलील के साथ समझ आ रही है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें दलील के साथ आका करीम की तारीफ और शान बयान हुई है, तो उस पर तो सुभान अल्लाह कहना बनता है ना। इसलिए कि उम्मती मुस्तफा का हो, शफाअत का तलबगार मुस्तफा का हो, निगाह करम का मोहताज मुस्तफा का हो, और करम का मोहताज मुस्तफा का हो, सवाली मुस्तफा के दर का हो, सवाली मोहम्मद की आल का हो, और जब उसे पता चले कि मैं दर पे मौजूद हूं तो वह सुभान अल्लाह कैसे ना कहे। वापस पलटिए, अल्लाह ने दावा फरमाया कि मैं इलाह हूं, मैं माबूद हूं, मैं खालिक हूं, मैं राजिक हूं अपनी तमाम शानों के साथ। मौला दलील क्या है? फरमा हर शय को तुम देख सकते हो, हर शय में गौर कर सकते हो, तुम अगर कायनात के जर्रे से लेकर आसमान पर चमकते सूरज और चांद और इन सैयारों, इनकी तखनीकात, इनके निजाम पर गौर करोगे और किसी और चीज में न चले जाओ, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में गौर कर लो कि तुम क्या थे, कैसे बने, कैसे आगे बढ़ रहे हो और कैसे तुम्हारा जिंदगी का निजाम आगे बढ़ रहा है। एक एक चीज अल्लाह फरमाता है मेरे वजूद की दलील है, लेकिन मैं जिस दलील पे नाज करता हूं, मैं जिस दलील पे फख्र करता हूं, और मैं जिस दलील को
कायनात के सामने बतौर मॉडल बना के पेश कर सकता हूं वो एक है और उस एक जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा। मैं आसान किए देता हूं, अल्लाह करीम का दावा जरा समझिए। अल्लाह करीम ये फरमाना चाह रहा है कि मैं कुदरतों वाला हूं, मुझे इख्तियार है, तुम इंसान अपने अक्ल और इल्म से मेरे इख्तियार को नहीं समझ सकोगे, ना तुम उसे देख सकोगे। हां मेरे इख्तियार को देखना है ना, उस इख्तियार की तुम्हें झलक मोहम्मद मुस्तफा में नजर आए। मैं हुस्न व जमाल का मरकज और महवर हूं, लेकिन तुम देख नहीं सकते, तुम अपने अकल इंसानी से उसका इदराक नहीं कर सकते, लेकिन तुम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। उसके लिए मेरे मोहम्मद के हुस्न को देख लो। मेरे पास मैं इल्म अता करने वाला हूं, मेरे इल्म की वसत कितनी है तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, ना तुम्हारे इल्म व अकल के अहाते में वो आ सकता है। हां तुम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो खालिक है, रब्बे कायनात फरमा रहे कि मैं खालिक हूं, मैं पैदा करने वाला हूं, मैं वजूद बख्शने वाला हूं, मेरा महबूब मखलूक है, मैंने उसे बनाया है, मैंने उसे वजूद बख्शा है, मैंने उसे इख्तियारात और इल्म अता किए हुए हैं। अब तुम खुद समझ लो कि जिसको मैंने बनाया है उसका इल्म इतना है तो बनाने वाले का इल्म कितना होगा, जिसको मैंने बनाया है जो मेरी मखलूक है उसका इख्तियार इतना है तो बनाने वाले का इख्तियार कितना होगा, और फिर जो मेरी मखलूक है उसका हुसन इतना है तो उसको बनाने वाला हसीन कितना होगा। किबला शाह जी तशरीफ लाएं और आगे बढ़ाएं, और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अजमत और औलिया अल्लाह की निस्बत से इस घर को जो कायम होने जा रहा है इसकी आबादी के लिए मजीद आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला मेरे कलिमात को कबूल मंजूर फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है।